दोस्तों एक बार ऐसा हुआ, तीन स्त्रियां पानी का घड़ा लेकर अपने गांव के समीप एक कुएं के पास पानी भरने गई। तीनों स्त्रियां आपस में बातें कर रही थी। पहली स्त्री अपने दोनों सहेलियों से कहती है, बहन तुम्हें पता है मेरा बेटा कितना टैलेंटेड है? तो दोनों स्त्री ने पूछा, कितना टैलेंटेड है? तुम्हें पता है मेरा बेटा पढ़ने में इतना तेज है कि संस्कृत के श्लोक, हिंदी के श्लोक और कोई भी कविता बहुत जल्दी याद कर लेता है। उसकी कविता अगर तुम लोग सुनोगी ना तो मंत्रमुग्ध हो जाओगी। इसी बीच दूसरी स्त्री जो पहली स्त्री की बात सुन रही थी उससे रहा न गया, तो दूसरी स्त्री ने कहा, हाँ 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 ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता है मेरा बेटा कितना चालाक, बुद्धिमान और यशस्वी है? तो पहले स्त्री ने बोला, कितना यशस्वी है? तो दूसरी स्त्री ने जवाब दिया, मेरा बेटा संगीत का प्रकंड विद्वान है। मेरा बेटा जब सुर लगाता है, जब कोई गीत गाता है तो मानो बारिश होने लगती है। उन दोनों स्त्रियों की बातों को सुनकर तीसरी स्त्री थोड़ी गुमसुम हो गई और दोनों सहेलियों ने तीसरी सहेली से बोला, सखी तुम्हारा बेटा क्या करता है, तुम्हारे बेटे में कौन से ऐसे गुण हैं? तो तीसरी सहेली थोड़ी गुमसुम हो गई और जवाब दी, कहती है, सखी मेरा बेटा न तो तुम्हारे बेटे की तरह पढ़ने में बहुत तेज है और न ही बहुत अच्छा गाना गाता है, मेरा बेटा तो बहुत साधारण है। बातें करते करते तीनों स्त्रियों ने अपने पानी के घड़े को भरा और पानी के घड़े को भरने के बाद वापस गांव की तरफ चल पड़ी। इसी बीच पहली स्त्री का बेटा आया और वहां पर संस्कृत का श्लोक बोलते हुए हिंदी की कविता पढ़ते हुए गुजर गया। तो पहली स्त्री बोली, देखो देखो वो रहा मेरा बेटा, कितनी अच्छी कविता पढ़ रहा है, कितने अच्छे श्लोक सुना रहा है। दूसरी स्त्री बोली, हां सचमुच। तीसरी स्त्री ने भी प्रशंसा की। अब थोड़े दूर चलने के बाद दूसरी स्त्री का बेटा वहां पर आया और बहुत अच्छा गाना गाना शुरू किया, बहुत सुर में। तो दूसरी स्त्री ने कहा, देखो देखो वो मेरा बेटा, देखो 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 वो रहा मेरा बेटा, कितना अच्छा गाता है ना सखी? तो बाकी दोनों सहेलियों ने कहा, हां तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा गाता है। थोड़ी देर के बाद तीसरी स्त्री का बेटा वहां आता है और वो सीधा अपनी मां के पास जाता है और कहता है, मां तो बहुत थक गई होगी, ला अपना घड़ा मुझे दे दे, तेरे पानी का घड़ा मैं उठाकर ले चलता हूं। और तीसरी स्त्री ने अपना घड़ा अपने बेटे को दे दिया और मां और बेटे दोनों मिलकर साथ में मुस्कुराते हुए गांव की तरफ चल गए। दोस्तों इसके पहले पहली स्त्री का बेटा दूसरी स्त्री का बेटा वहां से गुजरा, उन दोनों ने अपनी मां को देखा भी था लेकिन फिर भी वो दोनों अपने कामों में बहुत मशगूल था तीसरी स्त्री का बेटा
जब वहां पर आया तो अपनी मां की तकलीफ को महसूस किया और कहता है, मां अपना घड़ा तो मुझे दे दे, तो बहुत थक गई होगी। दोस्तों कहानी का मोरल क्या हुआ? द मोरल टू द स्टोरी इज, सच्चा हीरा वही होता है जो अपनी मां के तकलीफ को समझता है, अपनी मां के दर्द को समझता है और उस दर्द का तुरंत निवारण करता है। तो साथियों कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए कि ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी में सच्चा हीरा कौन है। और हाँ, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। और यदि संभव हो सके तो हम लोग अपने आसपास, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेज में कोशिश करें कि ऐसे ही सच्चे हीरे बना सकें।